क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपके गलत चिंतन है और जो आपकी गलत विचारधारा है, उसमें हम करेक्शन देते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम करेक्शन का विज्ञान है। ये दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि का अर्थ ही है करेक्शन देना, कु में बदलना, बुरे को अच्छे में बदलना। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि अच्छा इंसान बनाना। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं वह है कि मोक्ष की प्रतिनिधि प्रज्ञा। भाई और बहनों, बहुत बहुत सुंदर विषय है और ये हमारे जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, जो मानव मात्र का जीवन का जो लक्ष्य है उसकी तरफ ले जाने वाली एक बहुत बड़ा विषय है। इसको आप अच्छी तरह से समझें तो पहले तो ये समझें कि मोक्ष और प्रज्ञा दो शब्द हैं, दोनों को अच्छी तरह समझना है। हम मोक्ष की बात क्यों करते हैं? आखिर मोक्ष में ऐसा क्या है जो इसकी बात बार बार की जाती है? तो हमारी भारतीय संस्कृति ने मनुष्य के जो लाइफ स्टाइल को जो है चार भागों में बांटा है कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर कार्य करता करता, प्रोग्रेस करता करता, वो ऐसे स्थान पर चला जाए कि उसको अक्षय सुख मिले, कि उसके दुख के बाद कोई सुख, उसके उसको सुख को प्राप्त करने के बाद कोई दुख हो ही नहीं। हमारे वर्तमान जगत में या जन्म जन्मांतर में घूमते आए हैं उसके अंदर मुख्य बात क्या है कि कभी हमको सुख होता है, कभी दुख होता है, सुख और दुख के पलड़े के अंदर हम झूलते रहते हैं। कैसे? कि उदाहरण के तौर पर देखिए कि मान लो मेरे को धंधे में 1,00,000 रुपया मिल गया तो मैं खुशी हो गया, मुझे बेटे की प्राप्ति हो गई तो मैं खुशी हो गया, और बेटी की प्राप्त हो गई तो दुखी हो गया, और मुझे धंधे में घाटा लग गया तो दुखी हो गया। तो इस तरीके से ऐसा होने से व्यक्ति क्या होता है, सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलता रहता है और ये जीवन भर चलता है। जीवन भर नहीं, अनादि अनंत काल से चल रहा है। किसका कारण ये है कि अनादि अनंत काल से हमारा ये जो अक्षय सुख वाला, मोक्ष वाला, मुक्ति वाला जो परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, उसके साथ के अंदर ये जो हमारा कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कहिए या जो है वो मोह का संसार कहिए, बुराइयों का संसार कहिए, नकारात्मक भाव कहिए, वो जुड़ा और वो अज्ञान है, वही सब कुछ कराता है। तो उस अज्ञान को मिटाने का हमारे पास ऐसा कोई साधन होना चाहिए, क्योंकि अज्ञान ही हमें मुक्ति में बाधक है। इस अज्ञान को हमें समाप्त करना है और मुक्ति इसीलिए चाहते हैं कि परमानेंट सुख मिल जाए, फिर हमारे कभी दुख हो ही नहीं। उस अवस्था का नाम मोक्ष है और वह मनुष्य ही जा सकता है, कोई प्राणी उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। और वह मुक्ति वाला जो जीव है, प्राणी है, वह जो है अशरीरी हो जाता है और सिद्ध शिला जो कि हमारे लोक का सबसे अंतिम स्थान है, ऊपरी स्थान है, वहाँ जा कर के वो टिक जाती है। सब सिद्ध शिला पे जो मुक्त आत्मा है, उसके बाद में अलोक स्टार्ट हो जाता है। अलोक में जीवन नहीं है भाई और बहनों। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य है वो मुक्ति का लक्ष्य, चाहे 1 जन्म में मिले, 2 जन्म में मिले, 5 जन्म में मिले। मानव मात्र का भारतीय संस्कृति के अनुसार जो चिंतन करते हैं वो ज्ञान है जिनके पास में, और जो कुछ करना चाहते हैं वो लक्ष्य अपना मुक्ति का बनावे। अब प्रश्न ये है कि मुक्ति प्राप्त कैसे हो? उसके लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। प्रज्ञा किसे कहते हैं? देखिए कि हमारा जो इमोशनल कॉन्सेंट होता है, हमारा जो भावनात्मक विकास होता है, वो हमारा जो भावनात्मक जो है स्वास्थ्य होता है, उसमें क्या होता है कि दो तरह की बातें होती है। एक तो होता है विद्वान और दूसरा पंडित।
विद्वान इंटेलेक्चुअल लेवल पर होता है, यानी वह शास्त्रों का खूब अध्ययन करता है और वह खूब रटता है श्लोकों को और धारा प्रवाह बोलता है और ये सारा करता रहता है, तो ये करते करते वो विद्वान बन जाता है, पढ़ाई करता है, डिग्रियाँ लेता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, वह विद्वान हो जाता है। लेकिन विद्वान होना एक बात है और पंडित होना दूसरी बात है। पंडित प्रज्ञा के से पंडित होता है और पंडित वह व्यक्ति होता है अहंकार रहित होता है। ज्ञानी पुरुष जो है, जो हमारा विद्वान पुरुष है, वह व्यक्ति जो है अहंकारी हो सकता है। आपने कभी देखा होगा कि बड़े बड़े जजेज होते हैं जो कि जो न्याय करने वाले होते हैं वो घूस ले लेते हैं, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो कि पूरी पढ़ाई किया हुआ होता है व्यक्ति, वह सुसाइड क्यों करता है, वह मर्डर क्यों करता है, वह रेप क्यों करता है पढ़ा लिखा? और इसका कारण यह है, वह बुद्धि के लेवल पर कार्य कर रहा है, वो केवल इंटेलेक्चुअल है, लेकिन प्रज्ञा के जगत में बुद्धि हमारे शब्दों तक सीमित है। और इस बुद्धि के लिए कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये जो जितनी हमको विभिन्नता दुनिया में दिखाई दे रही है, ये बुद्धि के स्तर की विभिन्नता है, क्योंकि हर एक के शब्द अलग है, भाव अलग है, भाषा अलग है, शैली अलग है, ये विभिन्नता पैदा करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति प्रज्ञा के जगत में जाता है, जब व्यक्ति पंडित बनाता है, पंडित बनता है, तब वो शब्दातीत हो जाता है, वहाँ केवल वाइब्रेशंस है। प्रज्ञा के जगत में ओनली वाइब्रेशंस आर देयर, नो वर्ड्स आर देयर। उस वाइब्रेशन के जगत के अंदर सच है, उसके अंदर सम्यक ज्ञान है, और वो प्रज्ञा है, और वो हमारा इंट्यूशनल का फील्ड है, प्रभु का फील्ड है, परमात्मा का फील्ड है, क्योंकि प्रज्ञा जो है ये हमारी परमात्मा की प्रतिनिधि होती है। और ये प्रज्ञा जागृत कहाँ से होती है कि जब कभी भी हमारे पुण्योदय से और हमारे भाग्योदय से, और जो है हमारे कोई हमको ज्ञानी पुरुष मिल जाए या हमको सद्गुरु मिल जावे, दोनों में से कोई मिल जाता है, हमको ज्ञान दे देता है, प्रेषित कर देता है, संप्रेषण कर देता है, तो उस ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान लेते ही हमारे जो है प्रभु की प्रतिनिधि प्रज्ञा जागृत हो जाती है, और प्रज्ञा को मोक्ष का प्रतिनिधि कहा जाता है। प्रज्ञा कभी कु नहीं होती है, वो हमेशा सुबुद्धि करवाती है, कुप्रज्ञा कभी नहीं होती है, वो गलत रास्ता कभी नहीं बताती, हमेशा बताती है, क्योंकि वह हमारे मोक्ष की प्रतिनिधि है, और हमारी जो प्रभु की भाव सत्ता है, प्रभु कुछ नहीं करते हैं, प्रभु तो जो अशरीरी है वो तो ज्ञाता है, वो तो दृष्टा है, वो तो जानने वाला है, वो तो देखने वाला है, वो तो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, वो तो आनंद के अंदर रहता है, उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस से ही सब काम होता है, और प्रेजेंस बिना कुछ भी काम नहीं होता। देखिए प्रेजेंस कितना काम करती है। आज जो है भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान जो है महावीर, 24 तीर्थंकर, उनकी प्रेजेंस से कितना बड़ा काम होता था, बताऊँ आपको प्रेजेंस का कितना प्रभाव होता है। वो भौतिक जगत की बात है, और हमारे जो सूक्ष्म जगत की बात है, वो की वो है कि देखिए जहाँ पे तीर्थंकर होता है वहाँ से 125 योजन तक कोई अकाल नहीं पड़ता, अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि नहीं होती, कष्ट नहीं आते, दुख नहीं आते, और हिंसा नहीं भड़कती है, और प्रभु की हाजिरी के अंदर विरोधी स्वभाव वाले जैसे कि चीता है, भेड़िया है, और जो है कुत्ता है, बिल्ली है, और चूहा है, सभी जो है पूर्ण अहिंसक बन जाते हैं, एक दूसरे को खाते नहीं हैं, एक दूसरे पर हमला नहीं करता, सिंह किसी पर हमला नहीं करता है, वो तो एक श्रावक के रूप में भगवान की वाणी को सुनता है, क्योंकि ये भगवान का अतिशय है, भगवान का आभा मंडल है, और ये प्रभु की हाजिरी है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप देखिए प्रभु है जब मैं बोल रहा हूँ। मनुष्य आत्मा की हाजिरी से खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सूंघता है, और सारे कार्य करता है। अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हों और अपने प्रिय व्यक्ति को, मित्र को कभी जो आईसीयू वगैरह में देखा होगा, तो आपसे वो बात करता है,
और बात करके और अपनी खैर वगैरह बोलता भी है, लेकिन कुछ ही क्षणों के अंदर जो है उसको स्ट्रोक आ जाता है, डॉक्टर कहता नाउ इज डेड। अब दोनों कुछ सेकंड के अंदर ये डिफरेंस क्या हो गया, ये डिफरेंस ये हुआ कि हंसा उड़ गया, प्रभु चला गया, प्रभु ने इस शरीर को छोड़ दिया, इसको मिश्र चेतन उसकी हाजिरी से हुआ था, वो गैर हाजिरी हो गई, तो गैर हाजिरी होते ही ये अपने वो है जड़ के रूप में आ गया, अचेतन के रूप में आ गया। और फिर क्या करते हैं सब आपको पता ही है कि लोग कहते हैं जल्दी कीजिए, इसका खून है वो पानी हो गया है, इसके कीड़े तैयार हो रहे हैं और बदबू आ रही है, और सब हमारे जो है पूरे रिलेटिव सारे इकट्ठे हो गए हैं, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, बार बार रिमाइंडर आते हैं उठाओ उठाओ उठाओ, और हमको अर्थी पर उठा करके शमशान में ले जा करके, आजकल तो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उसके अंदर डाला और डाल करके जो है जो जो हमारा 5-10 मिनट में ही वो बटन दबाते ही जो है हमारा स्वा हो जाता है, पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु और आकाश में, जहाँ से निर्मित हुआ था, जहाँ से पाला गया था, पोसा गया था, जिस कुदरत ने ताला, उसके अंदर विलीन हो जाता है, अपने अपने वो अलग अलग जो हिस्से हैं पंचभूतों को उसमें चला जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि प्रज्ञा को जागृत करो, प्रज्ञा तो जागृत हो जाती है, आपको जो पुरुषार्थ करना है ज्ञानी पुरुष के पास जाइए, ज्ञानी पुरुष की कृपा, सद्गुरु की कृपा से प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, ज्ञान मिलते ही प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। उनकी कृपा कितनी होती है कि हमारा जो अनंतानुमंदी कषाय है, जो जहर की थैली है, उस कषाय को जो है काल बेलिए की तरह वो निकाल देते हैं बाहर से और शल्य चिकित्सा करते हैं। काल बेलिया क्या करता है कि बड़ा होशियार होता है, वह जो है वो पुंगी बजाता है, तो पुंगी बजाने से बड़े बड़े जो कहना चाहिए सर्प है उस पर नाचने लग जाते हैं, और वो कालबेलिया इतना होशियार होता है, उसका गला उस स्थान से पकड़ता है जहाँ जहर की थैली होती है, उस जहर की थैली को काट करके सर्जरी करके और उसको एक साधारण नाग बना देता है, फिर उसको आजीविका का साधन बनाता है, हाथ पर डसाता, लोग पैसे डालते हैं और वो पिटारे में बंद रखते हैं, क्यों, जहर खत्म हो गया। ठीक वही काम हमारा ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु करता है, अनंतानुबंधी को हटा करके फेंक देता है, हमको सम्यक दर्शन दे देता है, मोक्ष की नींव लगा देता है, प्रज्ञा को जागृत। जो ही आपको ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलते ही हमारे प्रभु की जो प्रतिनिधि है प्रज्ञा भाव सत्ता है वो हाजिर हो जाती है, और इस शरीर का पूरी मॉनिटरिंग वही करती है। मॉनिटरिंग कैसे करती है, किसी ज्ञान लिए हुए व्यक्ति को अगर वो इधर उधर भटकने लग जाता है, वो अज्ञा के, अज्ञा और प्रज्ञा के दो जो पाले हैं, अज्ञा होती है संसार में भटकाती है, क्योंकि अज्ञा हमारा भुगतान है, हम अज्ञा की बुराई नहीं करते, उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, ये अज्ञा तो क्या है कि हमारा शरीर है, ये मन वचन काया रूपी सोन राज के पुतले को ये जो शरीर मिला है वह पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ये विषय अलग है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, इसकी शुद्धि होते ही निश्चय शुद्धि तो हुई हुई है, हमारा प्रभु तो हाजिर है, प्रभु को कुछ नहीं करना है, प्रभु को तो यही है कि ये भुगतान जितना जितना कारमण शरीर का सब कर दीजिए और करके, और आप जो है वो ऑटोमेटिकली वो तो हाजिर हो जाएंगे। उसके लिए हमको जो सशक्त माध्यम है वो प्रज्ञा क्या होता है, मैं आपको भुगतान की बात कहता हूँ, मान लीजिए कोई जो है 1 करोड़पति व्यक्ति है, लेकिन उसके घाटा लग गया, पर उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके जो 1 करोड़ का घाटा हुआ और उसने सारी प्रॉपर्टी का जोड़ लगाया कि 50 लाख की प्रॉपर्टी तो मेरे पास है, लेकिन वो क्या साहूकार रहना चाहता है, वो अपने पे कोई धब्बा नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि चरित्र का धब्बा का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए कहा गया है इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ़ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आप दिवालिया घोषित हो गए तो आपकी पीढ़ी है समाप्त हो गई, सबके ऊपर बट्टा लग गया, तो वो क्या करता है
कि वो सबसे निवेदन करता है, जो जो मांगने वाले हैं उसके क्रेडिटर्स होते हैं जो जो है उनको सबसे निवेदन करता है कि आप 50% सब बांट के ले लीजिए और मुझे साहूकार घोषित कर दीजिए, ये प्रॉपर्टी कागज पड़े और सब मिलकर के ले लेते हैं। वो बेचारा साहूकार हो जाता है और सबका काम हो जाता है कि भाई अगले की स्थिति इतनी है, मिल रहा है उतना ही ले लो, भागते चोर की लंगोटी पकड़ो सही, क्योंकि ये तो क्या है, दुनिया का नियम है, किसी के घाटा है किसी के नफा है। और बेचारा साहूकार है और अच्छी बात कह रहा है और वो साहूकार बन जाता है और आने वाले समय के अंदर वो मल्टी मिलियनर बन जाता है, क्योंकि उसकी नीयत साफ है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे कि इस जीवन के अंदर क्या करना है। इस जीवन के अंदर सबसे पहले ज्ञान लेना और ज्ञान की जागृति में रहना। ज्ञान क्या है? प्रज्ञा को बनाए रखने के लिए हमको करना क्या है कि 5 आज्ञा हमको दी जाती है ज्ञानी पुरुष द्वारा, सद्गुरु द्वारा। वो 5 आज्ञा एक सनातन शाश्वत सत्य है। वह कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून से, वो दृष्टि विज्ञान से जुड़ी हुई है। वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सार्वभौम सत्य है और वो हमको सनातन सत्य बताती है। उससे हमको सनातन सुख मिलता है, सनातन सुख यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए 5 आज्ञा ही भगवान महावीर है, 5 आज्ञा ही भगवान जो राम है, 5 आज्ञा ही भगवान कृष्ण है, 5 आज्ञा ही 24 तीर्थंकर, 5 आज्ञा ही सब कुछ है। बड़ी सिंपल सी है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। वो 5 आज्ञा क्या है? पहला रिलेटिव, दूसरा है रियल, तीसरा है अकर्ता भाव, मीन्स नो डूअरशिप नो ऑनरशिप, नो ब्लेम नो क्लेम, और चौथी है वो हमारी जो है संभाव, ये हमारी आचार संहिता है संभाव। और 5वीं आज्ञा हमारा पुरुषार्थ है, वो है जागृति, वो रियल पुरुषार्थ है। तो हमको जब ज्ञानी पुरुष ज्ञान देता है तो हमें 3 गिफ्ट देता है, तीन गिफ्ट के पैकेट देता है। पहला पैकेट होता है, वह होता है हमारा प्रीतिति का, वो हमको 24 आवर्स ये हमारे ब्लड के एक एक कतरे में, एक एक कोशिका के अंदर ये भावना बिठा देता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तुम जानने वाले हो, तुम देखने वाले हो। और उसके सैकड़ों सैकड़ों जो हमारे प्रभु के गुण हैं उसकी माला फेरो, उसकी भजना करो। ये तो हमको प्रीतिति, रात को 12 बजे भी उठेंगे तो कहेंगे कि भई आप कौन हो, तो मैं कहूँगा रिलेटिव रूप से मैं सोहन राज हूँ, रियल रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कैसा शुद्ध आत्मा? जो 84 लाख जीवों सब में एक सा है, भेद है वो कर्मों के कारण है, शरीर है वो भेद के कारण और भेद है कर्मों के कारण है। तो इस तरीके से ये हमारा सारा कार्य होता है। तो हम 5 आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो प्रज्ञा हमेशा जागृत रहेगी। और 5 आज्ञा में जब अभी भटक जाएंगे तो ये मोक्ष की प्रतिनिधि, हमारे भगवान की, प्रभु की प्रतिनिधि, भाव सत्ता उसकी बेटी जो उसमें से निकली है, क्योंकि प्रभु कुछ नहीं करते, प्रभु तो जो अशरीरी है उनकी सिर्फ एक प्रेजेंस है, वो तो जानने वाले देखने वाले हैं, तीसरा कोई काम नहीं करते हैं। तो वह जो है प्रतिनिधि भटक भी जाते हैं, क्योंकि टू एयर इज ह्यूमन। और देखिए भटकाव होगा जब तक हमको, हम स्वयं प्रभु नहीं बन जाते, ईश्वर नहीं बन जाते। ईश्वर बनता है वीतराग होने के बाद, ईश्वर की नींव लगती और केवल ज्ञान होते ही ये शरीर के अंदर जो है रूप के अंदर वो ईश्वर का ही रूप रहता है, 360 डिग्री पर आता है और वह उसी जन्म के अंदर जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। और ये कब होता है? जब संपूर्ण रूप से हमारी कॉजल बॉडी और हमारा ये जो कार्मण शरीर है समाप्त हो जाता, धुन जाता है। तो धुन जाने के बाद ही हमको वीतरागता, केवल ज्ञान वगैरह की प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। अब समय की अल्पता को देख के मैं निष्कर्ष पर आता हूँ कि आप प्रज्ञा के पाले में रखिए, प्रज्ञा को हर क्षण जागृत रहेंगे। और आपके पास ज्ञान है तो प्रज्ञा जागृत भी रहेगी और आपसे वो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कराती रहेगी। वो आपको संभाव में रखेगी, वो संवर में रखेगी। 5 आज्ञा का काम यही है कि वह आप में संभाव और संवर पैदा करती है। और जहाँ जहाँ पर संवर है वहाँ निश्चित तौर से निर्जराय भगवान ने, जो तीर्थंकर भगवान ने 2 तरह के जो धर्म बताए गए, संवर और निर्जरा,
ये संवर निर्जरा पांच आज्ञा में रहते ही हमारे जो है वो हमारे ये दोनों ही धर्म हो जाते हैं। निर्जरा का मतलब तो होता निष्पत्ति, ये हमारा रिजल्ट है। जब हम संवर, हमारी साधना है, जब हम संवर करने लग जाते हैं तो उसकी निष्पत्ति, जो हमारा कर्म शरीर का झड़ना चालू हो जाता है, उसका शिथिलीकरण जाना जाता है। और सबसे बड़ा संवर क्या है कि मैं जो है मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को दुख ना हो, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवायोनि के किसी भी प्राणी को मैं दुख नहीं दूँ, मेरे द्वारा कोई कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, ये संवर है। और संभाव कैसे आता है? संभाव आता है साधना करने से, संभाव आता है राग द्वेष को जीतने से, दोनों को इक्वल मानने, चाहे राग हो और द्वेष हो, दोनों को इक्वल मानता है। इक्वल कब माना जाता है? संभाव कैसा होता है कि हम प्राणी मात्र को निर्दोष माने, तो इसीलिए जो है वो जगत निर्दोष हो जाता है। स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष, यानी जब हम खुद के दोष देखने चालू करते हैं और दूसरे के हम गुण देखने चालू होते हैं, उस समय से हमारा संभाव चालू हो जाता है और उस संभाव से राग द्वेष घटता जाता है और उसके साथ साथ में हमारा डूअरशिप, ऑनरशिप सब समाप्त हो जाती है। नो ब्लेम, नो क्लेम, और हम न तो किसी के प्रति अभिप्राय देते हैं, न कोई ओपिनियन देते हैं, हम तो अपनी प्रज्ञा के जगत के अंदर जो है वो स्थिर हो जाते हैं और प्रज्ञा धीरे धीरे हमारा विकास करके और राग द्वेष को कम करके, गिरा करके, इसकी शून्यता करते करते हमको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बना देती है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि इंट्यूशन को जागृत करो। ये आपका विद्वान होना अच्छी बात है, क्योंकि ये भी व्यक्ति विद्वान होता है वही व्यक्ति जो दूसरे को ज्ञान दे सकता है, लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारना वो इंट्यूशनल है और इंटेलेक्चुअल उस ज्ञान को प्राप्त करना। अगर वो ज्ञान हमारे गले के नीचे नहीं उतरा है तो हम मात्र विद्वान हैं, और गले के नीचे उतर गया तो हम पंडित बन जाते। बहुत बड़ा रात दिन का अंतर हो जाता है। अंतर कैसे होता बताता हूँ मैं, कि आपको बहुत बड़ा पेन हो रहा है भयंकर आपके सिर के अंदर या घुटने में, आपने पेन किलर लिया, पेन किलर को हाथ में रखने से पेन दूर नहीं होगा, आपने पानी के साथ में जो ही उसको नीचे गले के नीचे उतारा तो वो ब्लड के अंदर करके और कुछ ही मिनटों के अंदर आपके ब्लड को जो है वो हटा देती है, वो आपके पेन को हटा देती है। तो ये करने से इतना फर्क है गले तक और गले के नीचे उतारने के अंदर। इसीलिए देखिए कि जो लोग पंडित हैं, जो लोग प्रज्ञा का जिनकी जागृति है, और विवेक और प्रज्ञा एक ही है, विवेक धम्म माइए, विवेक ही धर्म है, कि हमारे पुराने जमाने की माता और नानी दादी और जो हमारे पिता गण से दादा थे, वो कितने बड़े जो है वो इंट्यूशनल थे। न तो उन्होंने कहीं पढ़ाई की, न कोई शास्त्र में पढ़ा, न कोई डिग्री ली, न कोई विद्वान बने, लेकिन वो उन माताओं ने, उन पिताओं ने जो हमको 10-10, 12-12 जो एक एक डजन जो है बच्चों को पाला पोसा और सबको अच्छा विद्वान, कुबेर और जैसा जैसा उनके कर्म है उसके रूप बनाने में वो सहयोगी बने। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम रोज़ देखिए, रोज नए नए आपको जो है एपिसोड्स बताए जाते हैं, कभी भी बासी एपिसोड हम रिपीट नहीं करते हैं, एवरी डे न्यू दिखाया जाता है। तो जब आप देखते रहेंगे तो आपकी प्रज्ञा जागृत होगी और आपकी सुबुद्धि आएगी और आपका पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव समाप्त हो जाएंगे, आप अच्छा चिंतन करने लग जाएंगे, स्वयं सुखी होंगे, दूसरे को सुखी करने देखने लग जाएंगे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य, मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।